हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो देखिए गाइज, आज मैं आपको बताऊंगी मल्टी कलर के स्वेटर डिज़ाइन। मतलब आप डबल कलर में बनाओ, मल्टी कलर में बनाओ, बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन लगेगी एंड बहुत ही आसान डिज़ाइन है। आप इसे किसी भी प्रोजेक्ट पर अप्लाई करोगे, बहुत ही सुंदर लगेगी। और डिज़ाइन को गाइज शुरू करेंगे हम राइट साइड, सीधे की तरफ बचे हुए उनसे भी आप बनाओगे, बिल्कुल रेडीमेड जैसे लगेगा एंड किसी भी प्रोजेक्ट पर बनाओगे ना, बहुत सुंदर लगेगी। एक लाइन हमारी समझ लीजिए एक एक कलर से जाएगी, बाकी हम जो बेस रो बनाएंगे, बेसिक कलर, ये हमारा पूरा सिलाई में पूरे स्वेटर में बनेगा। जो हम कलर लगाएंगे उससे हम एक एक सिलाई बनाएंगे। तो देखिए गाइस, हम बेस रखे हैं अपना व्हाइट कलर, अपने हिसाब से बनाइए कलर। और ऊन अगर आपकी पतली है तो सिलाई भी पतली रखिए, ऊन मोटी है तो सिलाई भी मोटी रखिए। तो चलिए फर्स्ट रो राइट साइड, सीधे की तरफ से हम डिज़ाइन को शुरू करेंगे एंड कलर हमने पहले ही लगा लिया है। देखिए पहले फंदे को स्लिप करेंगे, ध्यान से देखिएगा, एक फंदा सीधा, धागा आगे, एक दो तीन चार, चार फंदा उल्टा, धागा पीछे, एक सीधा, हो गया। एक फंदा हमने स्लिप किया, एक फंदा सीधा, चार फंदा हमने उल्टा बुना, एक दो तीन चार, एक फंदा सीधा। अब हम इस दूसरे कलर से बनाएंगे, एक बुना, लपेटा, बुना, एक फंदे में तीन फंदा, फिर से बुना, लपेटा, बुना। अब यही हम फिर से बनाएंगे, छह फंदे, चार ये, एक सीधा, एक सीधा, तो दो फंदा ये हुआ, फिर एक सीधा बनाएंगे, आगे करेंगे चार उल्टा, एक दो तीन चार, एक सीधा। लास्ट के फंदे को आप चाहे उल्टा बना लो एंड चाहे सीधा, यही हमको बार बार रिपीट करना होगा। फिर से हम दो फंदे बनाएंगे रेड कलर से, फिर से छह फंदे बनाएंगे हम वाइट कलर से। तो फर्स्ट रो राइट साइड ऐसे ही कंप्लीट हो जाएगी। अब आइए सेकेंड रो रॉन्ग साइड, सेकेंड रो रॉन्ग साइड हमको यही करना है, जो जैसे दिख रहा है। सफ़ेद वाले सारे फंदे को देखिए, हम ऐसे ही उल्टा उल्टा बुन लेंगे ये, और ये फंदे को हम एक ए दो, इसे बिना बुने उतार लेंगे, फिर से इसे बुनेंगे, दो तीन चार पाँच छः, ये हो गया छः दो आठ, यही आठ के मल्टीपल में आपकी ये डिज़ाइन कंप्लीट होगी। तो हो गई, दूसरी सिलाई भी कंप्लीट हो गई। अब देखिए थर्ड रो, ध्यान से देखिएगा, पहले फंदे को स्लिप करेंगे, इसे हम सीधा ही बुन लेंगे, धागा आगे, चार फंदा उल्टा, एक दो तीन चार, धागा पीछे। अब ये जो फंदा है, पहले हम ये फंदे को आगे लाएंगे और ये फंदा पीछे ले जाएंगे, ये इसे आगे, इसे पहले सीधा बुन लेंगे, ऐसे इसे सीधा बुनेंगे, हो गया। फिर से वही करेंगे, अब इसे पहले ले आएंगे, इसे हम आगे ले जाएंगे, पहले हम इस फंदे को बुनेंगे, इसके बाद इन तीनों फंदों को एक साथ बुनेंगे। जब बढ़ा था वो फंदा घट भी गया एंड डिजाइन भी हमारी बन गई। अब धागा आगे करेंगे, चार फंदा उल्टा, एक दो तीन चार, धागा पीछे, एक फंदा सीधा। लास्ट के फंदे को आप चाहे जैसे बना लो। अब देखिए गाइस, अगर आपको मल्टी कलर बनाने हैं तो ये धागे आप कट कर दीजिए, दूसरा कलर अटैच कर लीजिए उल्टे की तरफ। तो पहले आप उल्टा उल्टा बना लीजिए, और इसलिए बता रही हूँ, अगर आपको यही कलर बनाना है तो आप ऐसे उल्टा उल्टा बनाओ। ये चौथी सिलाई है पैटर्न की, चौथी सिलाई, तो इसमें आप ऐसे ऐसे ये धागा भी लपेट लीजिए ये, ताकि ये धागा, क्योंकि ये जो कलर हम बना रहे हैं एक ही सिलाई बनेगी, तो एक सिलाई बनेगी तो फिर से जब हम शुरू करेंगे तो राइट साइड, तो ये धागा हमें राइट साइड की तरफ चाहिए। तो इसके लिए ये देखिए, तो जब ऐसे थोड़े दो दो तीन तीन चार चार फंदे बुनने के बाद आप ऐसे ही लपेट कर साइड में ले आ लीजिए ये। और अगर आपको मल्टी कलर बना, और अगर आपको मल्टी कलर बनाना हो तो ये धागा आप काट दीजिए, यहीं से आप लगा लीजिए दूसरा कलर। तो दूसरा कलर एक बार आप और देख लीजिए, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। सिर्फ एक सिलाई हम आपको बताएंगे बस। तो देखिए, जैसे पहले फंदे को आपने बुन लिया, मतलब स्लिप कर लिया एंड इसे सीधा बुन लिया, या आप उल्टा बुन लीजिए। अब बचा ये चार फंदे, तो एक फंदे आप बुनेंगे सीधा,
मतलब ये सीधा, सॉरी गाइस। तो देखिए आप ना किनारे, आप चाहे इसे सीधा बना लो चाहे उल्टा, इससे आपको कोई मतलब नहीं। अब ये जो दो फंदे हैं इसमें आपको वही लपेट कर बुनना है, एक लपेटा बुना हो गया, फिर से लपेटा बुना, एक फंदे में दो फंदे बन गया। अब धागा ये बनाएंगे, एक फंदा सीधा, अब ये जो चार फंदे की डिज़ाइन बनी है उस चार फंदे को उल्टा, एक दो तीन ये चार, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, ये छह फंदे। अब फिर से ये दो फंदे में आपको दो बार लपेट कर बुनना है, बुना लपेटा बुना, बुना लपेटा बुना, यही। इसके बाद एक फंदा सीधा, तो देखिए किनारे के फंदे हैं, आप चाहे तीनों सीधा बना लो या तीनों उल्टा बना लो, ये साइड के फंदे से कोई मतलब नहीं है। जैसे इधर भी मैंने बना दिया एंड इधर भी, और जैसे मैंने ये आपको चार सिलाई बताई ऐसे ही आपको ये बनानी है। इसके बाद जब फिर से पैटर्न शुरू करेंगे आप, तो बस एक सीधा चार उल्टा फिर एक सीधा, तब ये बस यही आपको करना है। तो देखिए डबल कलर में आपको ऐसे लगेगा एंड मल्टी कलर में देखिए कितना सुंदर लग रहा है, डिज़ाइन देख रहे हो कितना खूबसूरत लग रहा है। ये बचे हुए ऊन भी आपके यूज हो जाएंगे, बचे हुए ऊन से आपका प्रोजेक्ट भी तैयार हो जाएगा और डिज़ाइन भी बिल्कुल रेडीमेड जैसी लगेगी। तो फ्रेंड्स आप इस डिज़ाइन को ट्राई करिएगा एंड हमारे साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा कि आपको ये डिज़ाइन कैसी लगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। टेक केयर, बाय बाय।